हर किसी को पैसा चाहिए होता है, शेयर मार्केट में है रिस्क, इसलिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। अब वो कितना परसेंट होना चाहिए ये डिपेंड करता है, तो आपको अच्छे रिटर्न देगा और साथ में टैक्स बेनिफिट भी। प्रिंसिपल अमाउंट, मैच्योरिटी डेट एंड कूपन रेट लिखा होता है। उन पोर्टफोलियो में आप अपना इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है। दोस्तों, ये एक ऐसा रिस्क है जो लोग कम बात करते हैं, और अगर आप इन बातों पर ध्यान देकर इन्वेस्ट करें तो आप इन रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, जो आपको एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन करने में मदद करता है। कुछ लोगों का मानना है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में है रिस्क, इसलिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। बट आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एक ऐसी कैटेगरी है जो एक फिक्स डिपॉजिट से आपको अच्छे रिटर्न्स देगा और साथ में टैक्स बेनिफिट्स भी। मैं बात कर रहा हूं डेप्थ म्यूचुअल फंड्स की। आज के वीडियो में हम डेप्थ म्यूचुअल फंड्स को आसान तरीके से समझेंगे और साथ में डेप्थ म्यूचुअल फंड्स के फायदे और रिस्क को भी समझेंगे। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। डेप्थ म्यूचुअल फंड से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज डेप्थ। मान लीजिए आपने एक बिजनेस की शुरुआत की, अब कुछ पैसे आपके पास है बट रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज्यादा की है, तो आपके पास बचे दो ऑप्शन। पहला कि आप किसी को अपना पार्टनर बना लो जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों में उनकी हिस्सेदारी रहेगी, जिसे हम इक्विटी कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी से पैसे लोन में ले लीजिए, जिसमें आपको ब्याज देना है और टाइम जब पूरा हो जाए तो लोन का रिपेमेंट भी कर देना है। ये हो गई डेप्थ मार्केट, जहां हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट, PPF, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, पर्सनल लोन, ये सब डेप्थ मार्केट के एग्जाम्पल्स हैं। हर किसी को पैसा चाहिए होता है, चाहे वो एक कंपनी हो या गवर्नमेंट। अब जब कंपनी या गवर्नमेंट पैसा लेती है तो एक पेपर इशू करती है, जहां प्रिंसिपल अमाउंट, मैच्योरिटी डेट एंड कूपन रेट लिखा होता है। कूपन रेट को एक बार आप इंटरेस्ट रेट ही समझ लीजिए, इस पेपर को कहते हैं बॉन्ड। अब म्यूचुअल फंड का काम है इन्वेस्टर से पैसे लेकर पोर्टफोलियो बनाना। जब ये शेयर्स के पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम इसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, और जब ये बॉन्ड्स के पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इसे हम डेप्थ म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। अब डेप्थ फंड्स में भी सब कैटेगरी है, जैसे कि ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, फ्लोटर फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग एंड प्यूसो फंड, गिल्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड एंड ड्यूरेशन फंड। इन फंड्स को डिटेल में समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो ऑन डेप्थ म्यूचुअल फंड्स जल्द लेके आएंगे आपके लिए। यहां तक तो आपको लग रहा होगा कि डेप्थ फंड सही है, बट यू नो ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो डेप्थ म्यूचुअल फंड में रिस्क है, जी हाँ, पर अगर आप रिस्क को समझ ले तो कोई रिस्क नहीं। तो चलिए समझते हैं कि डेप्थ फंड्स में रिस्क क्या है और सही डेप्थ फंड्स कैसे सेलेक्ट करें ताकि हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। तो पहला रिस्क है क्रेडिट रिस्क। मान लीजिए फंड मैनेजर ने जिस कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं वो कंपनी डिफॉल्ट हो गई, तो ना ब्याज आने को है और ना प्रिंसिपल। इस तरह के रिस्क को क्रेडिट रिस्क कहते हैं। अब क्रेडिट रिस्क से बचने के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो के ठीक से स्टडी करना है। कोशिश ये कीजिए कि उन फंड्स में पैसे लगाइए जहां पोर्टफोलियो का मेजोरिटी हिस्सा ट्रिपल ए या डबल ए रेटिंग वाली कंपनीज में इन्वेस्टेड है, और पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 50 से 60 कंपनीज के बॉन्ड्स हैं। इस तरह से आप क्रेडिट रिस्क के साथ कंसंट्रेशन रिस्क से बच सकते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि एक पोर्टफोलियो में 15% से ज्यादा का एलोकेशन एक ही कंपनी में किया गया है। उन पोर्टफोलियो में आप अपना इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है। दूसरा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट अप तो इक्विटी म्यूचुअल फंड भी अप, वैसे ही डेप्थ मार्केट के रिटर्न्स इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट पर निर्भर करता है। बट यहाँ एक कैच है, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो डेप्थ म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न डाउन होते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट कट होता है, तो आपके रिटर्न्स ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। ये और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारे डेप्थ फंड के पार्ट टू वाले वीडियो में, बट अभी सिर्फ आपको पोर्टफोलियो में चेक करना है एवरेज मैच्योरिटी आपके डेप्थ पोर्टफोलियो में क्या है। अगर आप इंटरेस्ट रेट रिस्क मूवमेंट के रिस्क से बचना चाहते हैं तो आपको एवरेज मैच्योरिटी पोर्टफोलियो जिसका कम है उसे चूज करना है और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। दोस्तों, ये एक ऐसा रिस्क है जो लोग कम बात करते हैं, बट डेप्थ मार्केट पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये रिस्क समझना बहुत जरूरी है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज और आउटफ्लोज रेगुलर बेसिस में चलते रहते हैं, तो आउटफ्लोज को डे टू डे मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर कुछ पैसे कैश में रखते हैं, ताकि कोई भी बड़ा रिडेम्पशन अगर आए तो पोर्टफोलियो बेचकर ना देना पड़े।
तो आपको फंड के कैश प्रोपोर्शन को ध्यान देना चाहिए और एसेट अंडर मैनेजमेंट जिस फंड में ज्यादा हो उसी को सेलेक्ट करना चाहिए। ये हो गया डेप्थ म्यूचुअल फंड्स के रिस्क, और अगर आप इन बातों पर ध्यान देकर इन्वेस्ट करें तो आप इन रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। ध्यान रहे, डेप्थ म्यूचुअल फंड्स तब तक ही सही है जब तक आप डेप्थ मार्केट को ठीक से समझते हैं। अब डेप्थ मार्केट के फायदे क्या है वो समझते हैं। डेप्थ मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो आपको एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन करने में मदद करता है। आपके पोर्टफोलियो में डेप्थ म्यूचुअल फंड होना चाहिए, अब वो कितना परसेंट होना चाहिए ये डिपेंड करता है, बट एक थंब रूल की बात करूं तो आपकी ये जितनी है उतना डेप्थ मार्केट में आपके पैसे होने चाहिए। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है तो आपके पोर्टफोलियो में 30% डेप्थ होना चाहिए। इक्विटी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है और रिटर्न्स भी बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। अगर हमें मन की शांति चाहिए तो हमें अपना पैसा डेप्थ फंड्स में रखना चाहिए जो हमें एक स्टेबल रिटर्न्स देता है। ओवरनाइट फंड्स या लिक्विड फंड जैसे डेप्थ म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा कुछ दिनों के लिए पार्क कर सकते हैं, जिसे आपको सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट ये फंड आपको इजीली दे सकता है विथ इजी विड्रॉवल फैसिलिटी। डेप्थ फंड्स को हम इमरजेंसी फंड्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। डेप्थ म्यूचुअल फंड में 3 साल से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टेड है तो आप इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हैं जो आपके टैक्स लाइबिलिटी को काफ़ी कम कर देता है। तो ये हो गई बेसिक्स ऑफ डेप्थ म्यूचुअल फंड्स। पैसे को इन्वेस्ट करते वक्त टेंशन ना ले, जानकारी ले और फिर इन्वेस्ट करें ताकि जब आप इन्वेस्ट करें तो आपके चेहरे पर खुशी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।